दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल आशीष डायरी में। और दोस्तों, आज हम आए हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा, ये इधर परियर उन्नाव लगता है, जो कि आप चारों तरफ देख सकते हैं पूरा पानी पानी हो चुका है हमारे चारों तरफ। आप पीछे पूरा देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आगे कुछ दूरी पर गाँव हुआ करता था, जो कि अब बाढ़ के कारण पूरा यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और आपको कुछ यहाँ की क्लिप भी दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग गांव छोड़ छोड़ के कहाँ चले गए हैं, कहाँ पे अपना बसेरा किया हुआ है। और चलिए देखिए आप लोग। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे ये कम से कम 7 से 8 दिन हो गए हैं, यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी भर चुका है, ये गंगा जी का पानी है। और दोस्तों, आपने अभी कुछ क्लिप में देखा होगा कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे यहाँ पे सामग्री बांटने और उनको खाना पीना देने यहाँ पे, और कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, गाली भी दे रहे थे बाद में उनके जाने के बाद। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे हैं और सारे मवेशी जो गांव के हैं सब कुछ यहीं पे रोड के किनारे यहां पे बस चुके हैं। और अगर कोई मिलता है तो उनसे और भी जानकारी लेते हैं और आपको देते हैं, और अगर कोई भी यहां पे आता है तो कुछ हेल्प करना ज़रूर भाइयों उनकी, क्योंकि बहुत ही परेशान है वो, काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, 7 से 8 दिन हो चुके हैं, और यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी ही पानी है और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये दोस्तों, आप चारों तरफ देख सकते हैं पूरा पानी ही पानी है, ये आप देख सकते हैं। और ये रोड गई है, ये आप देख सकते हैं रोड गई है, और ये इधर ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे ये रोड गई, आगे एक गांव था जो कि अब यहाँ पे पूरा पानी पानी चल रहा है, चारों तरफ पानी पानी दिखेगा आपको। ये बगीचे हैं अमरूद के पूरे ये, और एक भाई हैं, चलिए इनसे कुछ पूछते हैं। भाई, ये कितने दिनों से है सब कुछ? ये 4-5 दिन से है। 4-5 दिनों से? और जो आगे गांव था यहाँ पे क्या हुआ है? ये गांव मतलब बूढ़ गया है, सब सब कुछ बूढ़ गया। यहाँ गांव घरों में सबके पानी भरा। अच्छा, तो जो गांव के लोग थे तो यहीं पे सड़क पे बसे हैं? हाँ, यहीं ये रोड है इधर। अच्छा, तो कुछ प्रशासन का यहाँ पे कोई हेल्प करने नहीं आया कोई भी? यहाँ कोई नहीं आता है, ऐसे ही आ जाते हैं लइया चना बांटने बस। अच्छा, तो दोस्तों, आप अभी यहाँ के कुछ निवासी थे वो बता रहे थे, और आप ये चारों तरफ देख सकते हैं पूरा पानी पानी है। दोस्तों, आप पीछे भी देख सकते हैं, ये चारों तरफ पानी पानी है, और ये खेतों में भी चारों तरफ पानी पानी नज़र आएगा। और इस टाइम बारिश भी बहुत हुई है दोस्तों, तभी इतना यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं सारे मवेशी ये रोड के किनारे भी बंधे हुए हैं। अब
किया भी क्या जा सकता है दोस्तों, कुदरत के आगे सब सर झुकाते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इतनी बाढ़ आई है यहाँ पे परियर उन्नाव में। जैसे ही आप पुल पार करेंगे तैसे ही आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अभी एक झोपड़ी के अंदर हैं, जो कि ये तिरपाल की झोपड़ी है पूरी, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि परेशान हैं और पीड़ित हैं यहाँ पे पीछे। ये अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हुई है यहाँ पे और काफ़ी जल भराव भी है, तो यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे लोग जो आते हैं दोस्तों और जो कुछ बांटते हैं, जो लइया हो गया, गुड़ हो गया, कुछ भी हो गया, जो देने आते हैं, तो देने तो आते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी भी आप देख लीजिए। ये ऐसी क्वालिटी होती है लइया की, और ये गुड़ है बस, और कुछ तो देने आते नहीं हमारे ख्याल से। चलिए जो यहाँ पे जिनको देने आते हैं उन्हीं से पूछते हैं और क्या क्या देने आते हैं, क्या नहीं, क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, चलिए बात करते हैं उनसे। तो भैया यहाँ पे आप बताइए कि जब यहाँ पे कुछ कोई देने आता है तो क्या क्या देने आता है और उसकी क्वालिटी कैसी होती है? अरे क्वालिटी ऐसी घटिया क्वालिटी है और हाँ कोई बढ़िया क्वालिटी नहीं है। देने क्या, दो पूड़ी कभी कभी दे देते, हाँ पूड़ी सब्जी कल दी है जी 3 4 दिन में, जी और इधर लइया चना बस यही, और कोई और क्या बांटते, कुछ नहीं। और कुछ तिरपाल नहीं। अच्छा, तिरपाल वगैरह भी लड़ लड़ा के हम लोग लेते हैं, वैसे देते नहीं हम। मतलब लेने वाले ज्यादा होते हैं हाँ, और देने और वाले कम देने होते वाले हैं। कम अच्छा, लाते हैं, 30 खड़े आदमी 100। तो आप लोग यहाँ से कितने दिनों से यहाँ पे हैं? यहाँ हो गए हमको कम से कम 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया। हाँ, और आप लोग सब कुछ घर बार छोड़ के यहीं पे सब हैं, यहीं पड़े, कोई प्रशासन से कोई हेल्प नहीं? नहीं कोई हेल्प नहीं है। पानी सब भरा घरन में, पानी घरन भरा है तो कैसे हुआ? परेशान सब गोरू हरा, सब सड़क पे बंधे हैंगे। हमका तिरपालो नहीं नसीब, हम पराई मड़ैया में बैठे हैं। अच्छा, हाँ, लेके भाग गए। हमारा नाव नहीं लिखो है, नाव लिखा थे तो ऊपरी भैया कटवा देखे। हाँ, तो नाम हम लिखने आते हैं यहाँ पे? नाव हाँ, पहले नाम लिखा लिख के थे। अंगूठा लगवाते तब ये देते पूरी सब्जी, अच्छा और क्या, हाँ, बिस्कुट ब्रेड भी देते हैं। ब्रेड अगर बांटने आते 2 रुपए का बिस्कुट तो अंगूठा लगवाते, नाम लिखाते, इस हिसाब से बताइए 2 रुपए की चीज में पूरी साइन। तो अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पे कि अगर कोई भी कुछ भी देने भी आता है तो उसके लिए अंगूठा लगाया जाता है, मतलब किसी का अगर पेट भरना हो तो अंगूठा लगाओ तब दो। चलिए अंगूठा ही लग रहा है, कोई आधार कार्ड नहीं मांग रहा, वरना क्या होता है यहाँ के लोगों का कि आधार कार्ड कहाँ से लाते हैं, अंगूठा इनके साथ है तो अंगूठा लगा देते हैं। और सब कुछ जिसका इधर उधर हो गया हो वो आधार कार्ड कहाँ से लाएगा। चलो अच्छी बात है, जो लोग यहाँ पे आते भी हैं देने आते हैं, अब क्या कह सकते हैं। चलिए फिर ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये गरीबों को खाना देने के लिए यहाँ पे खाना भी उपलब्ध करा रहे हैं ये लोग। ये आप देख सकते हैं इधर पूरे इन लोगों को, और ये अभी तैयारी चल रही है यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित हैं, ये इधर आप देख सकते हैं पूरे बाढ़ पीड़ित हैं, और ये उसका पूरा खाना बनाने की वो सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, देंगे ये सब लोग हैं। इधर भी आप दोस्तों देख सकते हैं पूरा, ये बिठूर की रोड है, और ये आप देख सकते हैं पूरा किनारे रोड के चारों तरफ पूरा पानी पानी भर चुका है यहाँ पे। काफ़ी मुसीबत भरी इस समय समझ लो एक स्थिति है यहाँ पे। और ये भी आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खाना बना रहे हैं, और यहाँ पे कोई अभी ये लोग ये बिठूर के लोग हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी तरीके से खाना भी बना रहे हैं यहाँ पे। और ये लोग अंगूठा अंगूठा कुछ नहीं लगवाएंगे। और यहाँ पे लोग अभी आपने सुना देखा भी कि जो लोग आते हैं
वो अंगूठा भी लगवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल फ्री में सब कुछ कर रहे हैं। फ्री में क्या, एक तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये लोग अंगूठा अंगूठा कुछ नहीं लगवाएंगे। ये दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं पूरा, ये चारों तरफ मवेशी मवेशी हैं। और ये आगे भी देख सकते हैं, ये बिठूर की रोड है जो पुल को जाती है सीधे, और ये पीछे परियल को जाती है। चारों तरफ आपको झोपड़ी और कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, और चारों तरफ पानी पानी नज़र आएगा। इधर भी पानी पानी आपको नज़र आएगा और झोपड़ी नज़र आएंगी। दोस्तों बहुत आपको दिखा चुके हैं वो भी, अब हम इस समय हैं ये बिठूर पुल पे, ब्रिज पे हैं, और गंगा जी का स्तर देख लीजिए आप, चारों तरफ आपको पानी पानी नज़र आएगा यहाँ पे। और इधर भी ये देखिए पूरा गंगा गंगा जी भर चुकी हैं पूरी, चारों तरफ जली जल नज़र आएगा यहाँ पे। और इधर भी देखिए ये पीछे सारे मवेशी यहीं पे बंधे हैं। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, और क्या कहें। चलिए फिर, जय धन्यवाद, जय हिंद।